देवास जिले में किसानों को मिलने वाली राहत राशि उनके खाते में न डालते हुए अपने रिश्तेदारों और अन्य मित्रों के खाते में डालकर 1,61,00,000 रुपए की हेराफेरी कर गबन किया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने किसानों के साथ मिलकर गुरुवार को खातेगांव में एसडीएम प्रवीण प्रजापति को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि किसानों को वितरित की जाने वाली आपदा राशि में भ्रष्टाचार करने वाले जिम्मेदार राजस्व अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ 10 दिन में दंडात्मक कार्यवाही नहीं होती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगी। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। कांग्रेस के लोग देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, देवास जिले में 1,61,00,000 रुपए की राशि का गबन राहत किसानों के हिस्से का किया गया है, जिसमें राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी पटवारी तक संलिप्त है। उसी को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के साथ चेतावनी भी दी है कि अगर 10 दिन में इनके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। आज जो देवास जिले में भ्रष्टाचार हुआ राहत राशि को लेकर, उसको लेकर कांग्रेस परिवार द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन देगा। हमारी मांग ये है कि जब भ्रष्टाचार जब प्रशासनिक अधिकारी आगे रह के कर रहे हैं तो कितना बड़ा घोटाला है ये। सीएजी की रिपोर्ट के द्वारा ये खुलासा हुआ, किसानों की लगातार मांग हो रही थी। पर हम ये चाहते हैं कि जो भी दोषी पटवारी है, जो भी इसमें लिप्त है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी द्वारा मांग है। पहुंचे थे, कोई ज्ञापन दिया है, क्या चाहते हैं कांग्रेस के लोग? अभी कल हमको मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि खातेगांव देवास जिले के अंदर 1,61,00,000 रुपये अधिकार राजस्व अधिकारियों ने मिलीभगत के किसानों के निकाल के अपने परिवारों के खाते में डाल लिए। उसमें खातेगांव क्षेत्र के भी बहुत से गांव हैं और यहां के बहुत से पटवारियों के नाम आए हैं। उसमें 5 पटवारियों को ऊपर प्रकरण दर्जे भी निलंबित किया है। हमारी मांग है कि जो किसान ओके पैसे इन्होंने अपने परिवारों के खाते में डाले, वो इनसे रिकवरी करके तत्काल वो प्रभावित किसानों को दिए जाए और इनके ऊपर जो भी शासन के नियमानुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।